आज हम कवर करने वाले इस वीडियो में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड एमसीक्यू। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर को भेजा गया कोई डेटा या निर्देश है। डैश इज एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन सेंट टू द कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन, आउटपुट, इनपुट, डिजिटल। आप लोग कोशिश करिएगा हमारे सही आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट करके बता सके। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट। इनपुट कंप्यूटर को भेजा गया कोई डेटा या निर्देश होता है। क्वेश्चन नंबर टू, टेक्स्ट दर्ज करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस होगा। द इनपुट डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू इंटर टेक्स्ट वुड बी द कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर। यहां आपको बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा टेक्स्ट दर्ज करता है कंप्यूटर पर। तो सभी को पता होगा कीबोर्ड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कीबोर्ड के द्वारा हम लोग सबसे ज्यादा अपने सिस्टम पर टेक्स्ट दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, टाइपिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, कौन सी कुंजी यानी की आमतौर पर प्रक्रिया के चयन को रद्द करती है। विच की टाइपिकली कैन अ सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर। एस्केप, F1 की, विंडोज की, स्पेस बार। यहां पर आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एस्केप की। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, माउस। देखिए यहां पर लाइट पेन ये पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस ये भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा, ग्राफिक्स टैबलेट, ये पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किसे एक प्रकार का स्कैनिंग उपकरण नहीं माना जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ स्कैनिंग डिवाइस। बारकोड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर। ओ यहां पर देखिए दो बार आ चुका है, तो यहां पर आप कर लीजिएगा नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहां पर बारकोड रीडर ये भी स्कैन करता है, ऑप्टिकल स्कैनर ये भी रीड करता है, आपका स्कैन करता है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइट पेन स्कैन नहीं करता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। डैश पेन एक छोटा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर वस्तुओं को चुनने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। द डैश पेन इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस यूज्ड टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। मैग्नेटिक, इंक, लाइट, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे आपकी हाल ही में आने वाली UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और आपकी 1.4 ये आपका माइनस मार्किंग रहेगी, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने होंगे, यानी 50 में से 25 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तैयारी करना होगा ताकि आप माइनस मार्किंग से भी बच सकें और सही क्वेश्चन करके कर सकें। तो आपके सिलेबस में भी इनपुट आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है, इसलिए आपके लिए टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और भी बहुत सारे मैंने आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दिया है, हमारे चैनल पर आप आके देख सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सिक्स का हो जाएगा सी, लाइट। लाइट पेन एक छोटा इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवन, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर सभी प्रकार के कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर आर ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल्स। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, क्या आप लोग को पता है, ऑप्शन ए, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर एट, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन आ कीबोर्ड इज।
उम्मीद करते हैं इसका आंसर सभी को पता होगा। 10, 12, 15, 18 आपके जो कीबोर्ड पर F बटन दी हुई होती हैं, F कीज ये कितनी होती हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, F1 से लेकर के F12 तक, जिससे आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपनी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, ये सभी आप इसमें कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रिंटर के द्वारा एक अक्षर केवल एक स्ट्रोक में प्रिंट होता है? बाई विच प्रिंटर आ कैरेक्टर प्रिंट्स इन ओनली वन स्ट्रोक? प्लॉटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ऑप्शन से ही, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइएगा फ्रेंड्स, अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छा पेपर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क? देखिए यहां बात हो रही है इनमें से कौन सी की है ना, कौन सी की है जो आप मतलब कि किसी एक कुंजी के साथ, अगर देखिए अगर आप यूज करेंगे यहां पर, मान लीजिए आप स्विफ्ट यूज कर रहे हैं तो स्विफ्ट के साथ आपको कोई और भी की यूज करना पड़ेगा। अगर आप केवल स्विफ्ट करेंगे तो आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मान लीजिए अगर आप कंट्रोल या आल्ट की हो गया, अगर आप ये सब यूज करते हैं तो इसके साथ भी कोई की आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा होगा। देखिए स्पेस बार, अगर आप इसको सिंगल भी स्पेस दबाएंगे तो भी ये काम करेगा। फंक्शन की, ये भी अपना इसका एक होता है, ये भी एक काम करेगा। एरो की, ये भी इसका भी एक काम होता है, ये करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल की, ठीक है, बिना कंट्रोल की दबाए या इसके अलावा एक और इसके साथ कुछ भी दबाए काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा उपकरण अन्य डिवाइस को दूर से संचालित या नियंत्रित करने के लिए इंफ्रारेड सिग्नल का उपयोग करता है? Which device use infrared signal to operate or control other device remotely? Sensor, touchpad, remote control, all of the above. देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, रिमोट कंट्रोल। अगर आप जैसे टीवी का रिमोट यूज करते हैं तो इस जैसे आप दूर से यूज करते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है कि आपका इंफ्रारेड सिग्नल घूमता रहता है जो कि आपका टीवी से कनेक्ट हो जाता है रिमोट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिमोट कंट्रोल। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इन इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस? डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, वेबकैम, नन ऑफ द अबव। सभी को पता होगा आपके कंप्यूटर लैपटॉप पर क्या होता है, वेबकैम। तो यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वेबकैम। इनपुट आउटपुट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहां से आपका 1 से 2 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इनमें से कौन सा उपकरण कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है? विच ऑफ दीज डिवाइसेस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर? प्रिंटर, जॉयस्टिक, मॉडेम, स्कैनर। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए प्रिंटर ये होगा नहीं, जॉयस्टिक नहीं होगा, स्कैनर नहीं होगा, तो यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा मॉडेम, जो कि दोनों काम करता है, इनपुट भी करता है और आउटपुट भी करता है, ठीक है। इसमें आप इनपुट भी करते हैं और आपको ये दिखाता भी है, आउटपुट भी देता है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है, निर्गम यानी आउटपुट डिवाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? फ्लैट स्क्रीन, स्कैनर, टच स्क्रीन, प्रिंटर। यहां पर आपको बताना है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका आंसर बन जाएगा यहां पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। और बाकी देखिए फ्लैट स्क्रीन ये आपका आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है,
प्रिंटर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, तो यहां पर आपका हो जाएगा स्कैनर। और आ चुका है आपके सामने अगला क्वेश्चन 15। कौन सी कुंजी कर्सर के बाई ओर के अक्षर को हटाती है? विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर आप मान लीजिए कुछ यहां पर टाइप कर रहे हैं और आपको यहां लेफ्ट साइड इधर साइड से इस तरफ से आपको कुछ इरेज करना है, ठीक है, हटाना है इस तरफ से, तो आपकी कौन सी की यूज की जाएगी? देखिए आप यहां पर अगर डिलीट करेंगे तो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये पूरा डिलीट कर देगा, होम की से होगा नहीं, एंड की से क्या होगा, ये भी पूरा डिलीट कर देगा। और इसके बाद अगर हम बैक स्पेस यूज करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ टाइप किया और उसके बाद मैंने बैक स्पेस दबाया, आपका कर्सर यहाँ पे है, तो उसके बाद क्या डिलीट करेगा, इस तरफ का चीज ये डिलीट करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, बैक स्पेस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस रिलेटेड, ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते थे। इतने ही क्वेश्चन इसमें नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे अभी बनेंगे, तो आपको हम धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जाम तक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई प्रश्न है या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सभी के कमेंट चेक किए जाते हैं। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम अपने डेली इस प्रकार की नोटिफिकेशन और बेल भी दबा दीजिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपके लिए डेली इस प्रकार के वीडियोस लेकर के आते हैं, आप हमारे और भी पहले के वीडियोस भी देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।